हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किड्स वेदर हब। और मैं हूँ प्रतिभा पांडे और मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ होली के त्योहार के विषय में। होली का त्योहार तो हम सभी को बहुत अच्छा लगता है, चाहे बड़े हो या बुजुर्ग हो या बच्चे हो, सभी के लिए होली का त्योहार बहुत ही अच्छा होता है। उसमें कलर खेलते हैं, रंग खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, मिठाई खाते हैं, सभी तरीके से इंजॉय करते हैं। लेकिन बच्चों के लिए होली के त्योहार में क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए त्योहार तो बहुत अच्छा है लेकिन उसमें बहुत सारी बातें हमें उनकी तरफ से ध्यान रखने वाली होती हैं, जो कि एक पेरेंट्स ही ध्यान रखते हैं। सो आज मैं ये वीडियो उन्हीं पर लेके आई हूँ। आप अपने बच्चों को अगर रंग खेलने वो जा रहे हैं या आपके भी बच्चे अगर बाहर रंग खेलने जाने वाले हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, बड़ों के साथ, बुजुर्ग के साथ या किसी के भी साथ, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनके लिए, इसी बात को मैं इसमें बताने वाली हूँ। सो मेरा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको सारी बातें कैसे पता चलेंगी। सो प्लीज फ्रेंड्स, कोऑपरेट मी एंड मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे ना आने वाली नेक्स्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स एंड फैक्ट्स। सबसे पहले बात मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूंगी कि अगर आपके बच्चे कलर खेलने वाले जाने वाले हैं, बच्चे बहुत अगर छोटे हैं, तो कोशिश आप यही करिए कि आप घर में ही उनको कलर खेलने के लिए कहिए, बाहर तो बिल्कुल भी मत जाने दीजिए, क्योंकि बच्चों के साथ बड़ों का होना बहुत जरूरी होता है। चाहे जितने भी बड़े बच्चे हो, अगर पेरेंट्स साथ में होते हैं तो वो उनके लिए सेफ्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सी चीजें बच्चे नहीं देख पाते, नहीं जान पाते हैं, जो बड़े एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो आपके बच्चे अगर बाहर रंग खेलने जाने वाले हैं तो आप भी उनके साथ जरूर जाएं और कोशिश यही करिए कि बच्चे आपके या तो फिर अपार्टमेंट के नीचे, अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हो तो गार्डन में खेल रहे हो, या फिर आपके आसपास मतलब करीबी एरिया में ही वो होली खेलें, या फिर अगर आप घर पे ही होली की पार्टी दे रहे हैं तब तो सबसे ही बेस्ट है कि बच्चे आपके आपकी आंखों के सामने रहेंगे। कोशिश यही करिए कि बच्चे आसपास में ही होली खेलें और ज्यादा दूर नहीं जाएं, कहीं बाहर मत जाने दीजिए, क्योंकि वो उनकी सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। अब बच्चे रंग खेलने जाने वाले हैं, आ गई ना टेंशन कि बच्चे रंग खेलेंगे, उफ क्या बात, न जाने कहाँ कहाँ रंग लगाएंगे, आंखों पे तो नहीं लगा लेंगे, मुंह में तो नहीं लगाएंगे, कान में तो नहीं, उफ कितनी सारी टेंशन। पर कोई टेंशन वाली इसमें बात नहीं है। आप एक दिन पहले, रात में ही, जब बच्चे नेक्स्ट डे रंग खेलने जाने वाले हैं तो आप रात में ही उनको अच्छे से तेल लगा दीजिए। तेल कोई भी हो सकता है, चाहे आप नारियल का ले लीजिए या सरसों का ले लीजिए, या फिर कोई भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं अगर तेल नहीं है तो। बहुत लोग तेल को बहुत अवॉइड करते हैं, तो मैं ये कह रही हूँ कि जो भी हो आपके पास, एक रात आप पहले लगा दीजिए। कोशिश ये भी करिए कि बालों में भी आप हेयर ऑयल लगा दीजिए, ठीक है, जिससे बालों में कलर अच्छे से नहीं बैठेगा। और जब बच्चे नेक्स्ट जा रहे होंगे तब आप उनको अगेन फिर से तेल लगाएंगी, और वैसलीन जो होती है, वैसलीन को आप आंखों के आसपास, माउथ के आसपास, कान के और हैंड्स, नेल्स, इस जगह पे आप वैसलीन को लगा दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक दो कोट लगा देंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, इससे कलर छूटने में बहुत आसानी रहती है और कलर नहीं लगता है। और बच्चों को जब भी वो बाहर जाते हैं तो उनको इन सब चीजों की, कलर कैसे खेलना है, कैसे दूसरों के ऊपर डालना है, इस चीज की भी आप जानकारी दें, तो ये उनके लिए भी अच्छा होता है और दूसरे के लिए भी अच्छा होता है। नहीं तो आ जाते हैं ना फाइटिंग करके। जो है क्लॉथ्स के ऊपर, अगर आप बच्चों को बाहर भेजें तो कोशिश ये करिए कि आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहना के भेजिए उसको। अगर यहाँ तक कवर हो जाते हैं तो बहुत ही मच बेटर, और अगर नहीं तब भी आप फुल स्लीव्स के और फुल हाईनेक इस तरीके के कपड़े पहना दीजिए। कपड़े अगर बच्चों के हैं तो आप कोशिश करें कि डार्क कलर के ही हो, क्योंकि अगर लाइट कलर के कपड़े होते हैं तो मम्मी की तो बच गई पैंट। तो आप कोशिश करिए
जो कपड़े चूज करें उनका कलर थोड़ा डार्क हो और फुल स्लीव्स के हों, ताकि बच्चे उन्हें आसानी से सेफ रहे उसमें कलर के। उसपे भी हमारी जितनी स्किन कम से कम खुली रहेगी उतना ज्यादा अच्छा है, उसमें कम कलर लगेगा। आंखों पे गॉगल्स लगा दीजिए, इस चीज को भी ध्यान रखना है। आंखें हम ऐसे कहेंगे कि बेटा आप प्लीज आंखों को कलर से बचाइएगा, पर बच्चे हैं इतना नहीं ध्यान देते हैं, और या फिर कोई और उनकी आंखों में कलर डाल सकता है। तो आप उन्हें जब भी बाहर भेजें तो गॉगल्स को पहना के भेजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर बाल आपकी गर्ल से बड़े हैं बाल, तो कोशिश करिए कि जो कैप होती है कपड़े से लपेट के, या फिर शावर कैप होती है उसको लगा के भेजिए, तो उसके बाल भी खराब नहीं होंगे। बच्चों को ये हमेशा बताइए कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ वो होली ना खेलें, वो हमेशा अपने फ्रेंड सर्कल में होली खेलें, या फिर रिलेटिव्स हो या जानने वाले हों उन्हीं के साथ होली खेलें। और वैसे भी जब अगर आप बड़े होते हैं उनके साथ तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बाय द वे आप अपने फ्रेंड्स या सर्कल में इन्वॉल्व हो गए और बच्चे आपने बच्चों को नहीं ध्यान दिया, तो उन्हें इन सब बातों को पहले से ही आप बताइए कि उन्हें और अनजान व्यक्ति के साथ होली नहीं खेलनी है, वो सिर्फ अपने ही फ्रेंड सर्कल में होली खेलें। और जब भी वो बाहर जा रहे हैं तो उन्हें ये भी समझाइए कि हमें किन किन जगहों पे कलर लगने से बचना चाहिए, आंखों के नीचे, माउथ और कान के आसपास, और जितने भी काफी सेंसिटिव स्किन होती है जहां जहां की, वहां वहां कलर ना लगे तो मच बढ़िया रहता है। तो आप उनको इन सब चीजों की जानकारी दीजिए। दूसरा ये है कि जब भी वो कलर खेलने जाते हैं तो उनको ये भी बताइए कि कलर जो होता है वो बुजुर्गों के ऊपर ना डालें। बुजुर्गों को मतलब अगर वो चाहते हैं खेलना तो उनके ऊपर खेलें, और नहीं तो ना खेलें। अगर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उन्हें ये बताएं कि आप जो है बलून है, पिचकारी है, इन सब का यूज जो है उनपे मत करें, क्योंकि इससे उनको चोट लग सकती है। और आपस में भी अगर वो अगर बलून को अवॉइड ही करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि बलून से अक्सर बच्चों को चोट लगती है। तो आप अपने बच्चों को ये कहिए कि बलून से होली नहीं खेलनी है, आपको जो है बलून से नहीं और पिचकारी से आप खेल सकते हैं, लेकिन बलून उनसे अवॉइड करिए, क्योंकि बच्चों को उससे काफी चोट आ जाती है। तो बलून से होली खेलने के लिए मना करिए। और बुजुर्गों और प्रेग्नेंट लेडी, मैंने जो इससे बताया कि उनके सबको तंग नहीं करना है, बच्चों को कहिए कि ऐसे नहीं करना चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ ही होली खेलें, और काफी सेफ्टी से ही होली खेलें। कैसे खेलना है थोड़ा सा आप उनको समझाएं और बताएं। अब आते हैं कलर की बात पे, कलर कैसा होना चाहिए। कलर हम मार्केट का ना लें तो बहुत ही अच्छा है। मैं होममेड कलर, नेचुरल कलर, मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो आप घर पे ही कोशिश करें कि बच्चों के लिए कलर बनाना है तो आप घर पे बनाएं, क्योंकि जो मार्केट से कलर होते हैं वो काफी नुकसान करते हैं। बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है और स्किन बहुत डैमेज हो जाती है मार्केट के कलर से, और पता नहीं इसमें क्या क्या मिला होता है। बहुत बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है तो रैसेस हो जाते हैं और दाने निकल आते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप कोशिश यही करें कि घर पे ही कलर बनाएं, और घर पे भी कलर बनाना इतना टफ नहीं है, आप आराम से बना सकती हैं। तो उससे ही बच्चों को होली खेलने के लिए कहें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पार्टी दे रहे हैं तो आप सभी से कहिए कि घर से कलर लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कलर जो बनाए हैं नेचुरल उन्हीं का यूज करिए, और उन्हीं को बच्चों के साथ में खेलिए, बड़ों के साथ में खेलिए, आप भी खेलिए, एंजॉय करिए। सो इस सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी होली बहुत अच्छी होने वाली है। और मेन तो बच्चे होते हैं हमारे, जो कितने प्यारे क्यूट होते हैं, तो हमें तो उनका ध्यान रखना ही रखना है। तो मैंने ये सब बातें आते हैं, रंग तो खेल लिया हमने, और चलिए छुड़ाने की भी बात कर लेते हैं। उफो कितना रफिंग करना। चलिए बच्चों को अगर कलर करके आए हैं तो सबसे पहले आप उनको गीले पानी से बिल्कुल भी वॉश मत करिए, पहले उनका जितना भी सूखा कलर है उसको आप झाड़ दीजिए अच्छे से, इसके बाद उनके कपड़े निकाल दीजिए। फिर जो जितनी जगह पे कलर है उसको आप अच्छे से वॉश कर दीजिए साबुन से। साबुन देखिए कि आप जो है बहुत ज्यादा रफ मत करिए उसी जगह ऐसे करके, क्योंकि धीरे धीरे कलर जाता है और साबुन एक ही जगह से स्किन बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। तो धीरे से करने के इसके बाद आप उनको नहलाने के बाद थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए, और कुछ बालों में भी ऑयल लगा दीजिए। अगर कलर नहीं छूट रहा है तो आप उसको एक ही बार में ट्राई ना करिए छुड़ाने की, क्योंकि स्किन उससे काफी रैशेस हो जाएंगे। आप कोशिश करें कि धीरे धीरे कलर छूट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी आप कुछ आराम से आता है। कुछ
मेरे थॉट थे फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताए, अगर आप भी पेरेंट्स हैं तो आप इन्हें इस्तेमाल करें, जरूर ध्यान दीजिए बच्चों का। त्योहार में तो बड़ों ध्यान देते ही देते हैं। तो अगर आपने मेरा वीडियो लास्ट तक देखा है सो थैंक यू सो मच, और जानकारी भी जो मुझे जरूरी लगी वो मैंने दी। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि मैं भी अच्छे अच्छे से वीडियो लाती रहूं। और अगर कुछ आपको कुछ कमेंट सेक्शन में बताना हो या कहना हो, वीडियोस के लिए भी कुछ कहना हो, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। तो फ्रेंड ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए हैप्पी होली, एंजॉय योरसेल्फ, बी केयरफुल, ओके बाय।